जनपद में लगातार ट्रैफिक को लेकर जमीन पर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त करती नजर आ रही है। गुरुवार को एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह आईटीएमएस में कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया तथा इसके जरिए ऑटोमेटिक चालान का प्रशिक्षण किया। आपको बता दें कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत अब जनपद में एक हफ्ते बाद से ही ऑटोमेटिक तरीके से चालान कटना शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर आज उसका परीक्षण भी कर लिया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि महानगर की सड़कों पर चलने वाले लोग अब सावधान हो जाएं। अब गोरखपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए चौराहों पर लगे आईटीएमएस यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत महज एक हफ्ते बाद से ही कटेगा ऑटोमेटिक चालान। अब कोई ट्रैफिक का पुलिस का बंदा आपकी चालान नहीं काटेगा, बल्कि चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे यानी तीसरी नजर के रेंज में आते ही जैसे ही आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो आपका चालान कट जाएगा। इस ऑटोमेटिक चालान उसका डेमो तैयार किया गया है। एक दिन में इन कैमरों की क्षमता तकरीबन 1,00,000 चालान काटने की है। एक दिन में 1,00,000 चालान काटा जा सकता है। ऐसे में अगर आपने स्टॉप लाइन के आगे गाड़ी बढ़ाया सिग्नल रुकने के बाद तो आपको ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। बाएं लेन को अगर आपने ब्लॉक किया तो भी आपका चालान कट जाएगा। यहाँ एक बात और, वाहन स्वामियों को समझनी होगी, पहले की तरह नहीं कि एक बार चालान कट गया तो दोबारा नहीं कटेगा। एक चौराहे पर चालान कटा तो अगले चौराहे पर आपने फिर अगर गलती की तो फिर कटेगा चालान। अब ऐसे में आईटीएमएस के द्वारा इस पूरे सिस्टम को लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, 10-15 आदमी का, कौन दौड़ रहा था, पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं, अगर नहीं लिखा तो भी हो जाएगा। लिख दीजिए ना, रीजन लिख दीजिए। यहाँ पे आदमी समझ नहीं पाएगा ना, रिमार्क तो लिखना पड़ेगा। कार का निकाले हो, हम तो ऑटो की बात कर रहे थे, जो ऑटो था। इनका रेड वॉल्यूशन में कंट्रोल रूम के द्वारा चालान किया जाएगा। ये ऑटो रिक्शा हरे और पीले रंग का ऑटो रिक्शा, गार्ड साहब इनको तत्काल बाएं से बाएं भेज दें, बाएं से बाएं अपने वाहन को लेके जाएं, अन्यथा आपके वाहन का कंट्रोल रूम के द्वारा चालान किया जा रहा है। आप सभी वाहन चालक कृपया ध्यान दें, बायां लेन अवरुद्ध ना करें, बायां लेन खाली रखें, अपने वाहन को स्टॉप लाइन से पीछे खड़ा करें। ये सफ़ेद रंग का शर्ट पहने हैं, येलो शर्ट, अपने वाहन को तत्काल पीछे कर लें। कचहरी से गोलघर, ये येलो शर्ट, अपने वाहन को पीछे करें, अन्यथा आपके वाहन का कंट्रोल रूम के द्वारा रेड वॉल्यूशन में चालान किया जा रहा है। सिग्नल अवश्य फॉलो करें, सिग्नल के माध्यम से वाहन चलाएं। फॉलो करें, अपने वाहन को स्टॉप लाइन से पीछे खड़ा करें। कूड़ा घाट से मोदीपुर, ये तत्काल अपने वाहन को पीछे करें, अन्यथा आपके वाहन का कंट्रोल रूम के द्वारा चालान किया जा रहा है। ये जो भी वाहन चालक कूड़ा घाट से पेडलेगंज, ये कमर्शियल वाहन, अपने वाहन को खड़ा किया तत्काल आगे बढ़ा लें, अन्यथा नो पार्किंग में आपके भी वाहन का कंट्रोल रूम के द्वारा चालान किया जाएगा। आप सभी को बार बार बताया जा रहा है कि जब येलो सिग्नल हो उसी दौरान अपने वाहन को स्टॉप लाइन से पीछे खड़ा कर लें। ये लाल रंग का झोला, अभी ग्रीन सिग्नल हो गया, आप अपने वाहन को आगे बढ़ाएं, लेकिन आगे से ध्यान रखें, जब येलो सिग्नल हो उसी दौरान अपने वाहन को स्टॉप लाइन से पीछे खड़ा कर लें। सिग्नल अवश्य फॉलो करें आप लोग, सिग्नल के माध्यम से वाहन चलाएं। अपने जो सुबह शाम जिनको आना था सीख रहे हैं वो कुछ उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है, और रिकॉर्ड आप इस पे लेफ्ट लेन पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। एक मैसेज बना लीजिए कि गाड़ी अब ऑटोमेटिक चालान सभी का हो जाएगा, इस बारे में कोई नया एक डिजाइन कर लीजिएगा। हाँ, कल को कोई ये ना कहे कि करवाइए। रेड कलर का शर्ट पहने हैं, व्हाइट पैंट, रेड शर्ट, शास्त्री चौक, इसको इसको उसमें भी मार लो, चालान में भी डालेंगे। कूड़ा घाट से पेडलेगंज, कूड़ा घाट से पेडलेगंज, फोटो भी ले लो इनका। ये बाई लेन में जो भी वाहन चालक अपने वाहन को खड़ा किया तत्काल आगे बढ़ाएं, अन्यथा इनके वाहन का नो पार्किंग है। उस चौराहे पर भी है,
आप देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा है, देखिए लेफ्ट लेन देखिए पूरी खाली है, दिख रहा है स्मूथ चलती हुई दिख रही है। ये सब नागरिकों के सहयोग से ही संभव हो सका है। लोग जितना अवेयर होंगे तो उससे उनका पैसा भी बचेगा चालान नहीं होगा तो, और अपने को उदाहरण के रूप में एक अच्छे नागरिक के रूप में बेटर सिटीजन के रूप में वो खुद को साबित कर सकेंगे। बताइए क्या समस्या आश्रम पे, सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है सर। लेफ्ट लेन को एकदम क्लियर रखे देती है तो जिनकी नंबर प्लेट फाल्टी है उनका फोटो खींचते रहिए, या जिनकी भी नंबर प्लेट छिपी हुई है उनका फोटो खींचते रहिए, और जो पीआरडी और होमगार्ड के जो सहयोगी हैं उनको ड्यूटी के प्रति सेंसिटाइज करते रहें, ब्रीफ करते रहें और सभी को मोटिवेट करते रहें। और ट्रैफिक पुलिस का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोगों को बढ़िया यातायात व्यवस्था दें, ना कि किसी को अनावश्यक रोक के कोई में आप सभी को सेंसिटाइज करते रहें। थैंक यू। देखिए ITMS का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों के लिए बेहतर यातायात सुविधाएं मुहैया कराना, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ लोगों के लिए ऑडियो सिस्टम के माध्यम से एजुकेट करना ताकि अननेसेसरी लोग परेशान ना हों। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो चालान यहाँ पे कैमरे डिटेक्ट कर रहे थे हो तो वो भी सेमी ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा था अभी तक चालान, अभी कुछ समय बाद ये चालान पूर्णतया ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब हमको किसी को टोकने और बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि किसने रेड लाइट का वायोलेशन किया या किसने लेफ्ट रूट के लिए ब्लॉक किया, उन सबको स्वयं ही उनकी पिक्चर आके अपने आप उसका चालान हो जाएगा और सिंगल क्लिक पे वो सब उसमें NIC के फोल्डर में चले जाएंगे। तो ये कब तक चालू हो जाएगा? अभी इसका परीक्षण चल रहा है और अगले एक सप्ताह में हम इसके लिए एक्टिवेट कर देंगे पूरे शहर में।